हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस सेक्शन में आपने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा। यह मैंने ये बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जिस भी इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। दूसरी चीज़, लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि उसका पावर एक वेरिएबल का पावर एक ही होगा, वन होगा वेरिएबल का पावर, ठीक है ना। आपको ये भी बताया कि ये कोफिशिएंट क्या होते हैं, दूसरी चीज़ बताया कि इसका सलूशन कैसे निकालते हैं, साथ में ये भी बताया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सलूशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूजा मैडम ने पढ़ाया है कि क्या कहते हैं, कैसे किसी कैसे पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। आपको ये बताया गया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये भी बताया गया है कि एक्स एक्सिस में इसके साइन कैसे होते हैं, इधर के दोनों साइन प्लस, इसका मतलब ये और ये प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, और यहाँ पे क्या होगा माइनस सॉरी प्लस माइनस, यहाँ वाई माइनस और प्लस, ये प्लस होगा एक्स एक्सिस। आपको ये भी बताया गया होगा कि कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स और वाई के टर्म में लिखा जाता है, एक्स और वाई टर्म में लिखा जाता है, जिसमें एक्स पहले और वाई बाद में लिखा जाता है, बीच में कॉमा लगाया जाता है। इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि इसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते, इसका ऑर्डर अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा आपको एक्स पहले वाई बाद में लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कैसे ग्राफ प्लाट किया जाता है। कैसे ग्राफ प्लाट किया जाता है, देखिए कि किसी कोई भी लीनियर इक्वेशन है, जैसे इसका ले लीजिए जनरल इक्वेशन जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लीजिए, चाहे एक्स के लिए चाहे वाई के लिए। जैसे हम यहाँ पे करें, हम वाई के लिए सॉल्व करें तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर दें तो ए एक्स प्लस सी हो जाएगा और अपान में बी, ये कोफिट नीचे चला जाए। अब इसके बाद हम क्या करें कि बारी बारी एक्स को वैल्यू दें, कोई भी वैल्यू दें, उससे वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम अल्फा एक मान लिया कि पहले अल्फा वन दिए, सॉरी ये सपोज करिए कि हमने दिया पी, तो इसकी वैल्यू अब क्यू, वाई की वैल्यू आ गई क्यू। फिर उसके बाद हमने दिया इसको आर, तो वाई की वैल्यू आ गई एस। इस तरीके से दो या तीन वैल्यू हम निकालेंगे, फिर इन दोनों तीनों वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे प्लाट करेंगे, ठीक है। उसको आपको सिखाया गया होगा, पहले भी ग्राफ बनाना सिखाया गया होगा, यहाँ पर मैं आपको फिर से सिखा दे रहा हूँ। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, और आपको एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम प्रूव करते हैं, दिखाते हैं कैसे ग्राफ बनता है। जैसे वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टू, अब इसको हम सॉल्व कर दें कि y इज इक्वल टू, ये एक्स उधर ले जाए तो एक्स प्लस टू। अब हम x देखिए, ये ऐसे आप एक क्या कहते हैं बारी बारी बनाइए कि पहले हम x को दें, क्या कहते हैं x को एक वैल्यू दें, सपोज करिए x को वैल्यू दिया मैंने वन, ठीक है। x इज इक्वल टू वन पुट करें तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, तो कोऑर्डिनेट क्या बना, वन थ्री, ये एक बना कोऑर्डिनेट। फिर हम एक्स को वैल्यू दे दें, सपोज कर लीजिए माइनस वन, ठीक है, एक्स की वैल्यू दे दें माइनस वन, तो वाई देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो वाई इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वन। तो अब क्या हो गई, वह क्या कोऑर्डिनेट बना, माइनस वन प्लस वन,
दो वैल्यूज आ गई। अब दो वैल्यूज निकालने के बाद आप क्या करें, इसको इस पे प्लॉट करें, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये आप जानते हैं कि ये ओरिजिन होता है तो ये जीरो होगा, ये एक्स का वाई पॉजिटिव हिस्सा है, ये वाई का पॉजिटिव हिस्सा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब क्या कहते हैं, सब इसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें, सपोज कर लीजिए ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ठीक है, 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ पे इधर की तरफ क्या होगा, -1 -2 -3 -4। इसी तरह इधर देखिए, ये जीरो है, यहाँ से ये 1 2 3 4। फिर इधर देखिए, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब हमने क्या निकाला है, 1 3, एक्स पे 1 और वाई पे 3। तो क्या होगा, देखिए ऐसे आप एक ऐसे लाइन डॉट कर कर लीजिए, ठीक है, और एक इधर से ये डॉट डॉटेड लाइन, और यहीं पे आके दोनों मिल गए, ठीक है, 1 3। तो ये कौन सा पॉइंट है, 1 और 3। दूसरा आपने निकाला है -1, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे +1। अब देखिए ये -1 है, ठीक है, और ये +1 है, तो ये दोनों क्या होगा, ए ये देखिए यहाँ पे आके मिल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिला दीजिए, ए ये, अब इसको भी पीछे बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये ग्राफ प्लाट हो गया, दो वैल्यू आपने निकाल ली। और अब एक चीज़ ये ध्यान देने की है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन के सल्यूशन होंगे, ठीक है, जो भी लाइन पे पॉइंट आ रहे हैं सारे के सारे, इस तरीके से इस लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं और वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए इसको, कि x-2y = 3, ये है, इसका भी ग्राफ प्लॉट करके दिखाएं। इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि x-5 और y=0 पे कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, फाइंड करना है इन पर, फाइंड कोऑर्डिनेट, ठीक। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम वैल्यू निकालें, तो इसको क्या कहते हैं, y के लिए सॉल्व कर लें चाहे x के लिए सॉल्व कर लें। अगर हम जैसे क्या कहते हैं, x के लिए सॉल्व कर दें तो x=, क्या हो जाएगा, 2y+3। आप y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, x के लिए भी सॉल्व करते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। अब यहाँ पे हम क्या करें, पहले y=0 लिख दें, y=0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 0 + 3 x, तो x की वैल्यू हो गई 3, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3 3 0, ये एक कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है। अब x की, जैसे हमने एक एक बार जो है इसकी y की वैल्यू 0 ले ली, अब क्या करें, इसकी वैल्यू 1 रख दें, 1 इसकी वैल्यू 1 क्या, -1 रख दीजिए, y=-1 रखें। अब क्या, y=-1 रखा, तो -1 रखेंगे तो x=2 × -1 + 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + 3, तो x=1, आपकी अब कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 - 1, आपने दो कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए, ठीक है ना। अब इसको हम ग्राफ पे प्लाट कर रहे हैं, देखिए कैसे प्लाट करेंगे। अगर इसको आपको प्लाट करना है तो देखिए, ये 0, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि क्या कहते हैं, कैसे प्लॉट करना है, 0, अब ये 1 2 3 4 5
ठीक है, अब इधर भी आ जाइए, -1, -2, -3, -4, ये है -5। ठीक है, अब इधर से देखिए, इधर रहिए, 1, 2, 3, 4, 5। और इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5। अब हम देखिए क्या ले आए, हमारे पास है पहले 3, 0, x पर 3, y पर 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा, ये x एक्सिस पे 3 है और y पे 0, 0 यही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, x पे 1 और y पे -1, तो ये कहाँ आएगा, ये देखिए, ये 1 और -1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएं, देखिए कैसे मिलाएंगे, पहले हम यहीं से मिला देते, ये ठीक है, अब इसको पीछे बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये -5 है, हमको वाई पर, एक्स पर जब -5 है तब का कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स पर -5 ये है, एक्स पर -5 कहाँ है, ये, तो वाई कहाँ पे है, देखिए ए, इसको ऐसे दिखाइए, ए ये, और इसको ये मिला दें, तो ये 3 पे मिल रहा है, इसका मतलब -5, एक्स पे -5 है, तो वाई पे क्या होगा, 3 होगा। और जब वाई पर 0 है, ठीक है ना, वाई पर 0 है, तो आपने निकाल रखा है एक्स पर 3 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा, तो ये कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकाला जा सकता है और इस तरीके से प्लॉट किया जाता है। एक दो और देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि क्वेश्चन पहले लिख दें, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू -x, वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू -x इन द सेम ग्राफ पेपर, इन द सेम ग्राफ पेपर, इन द सेम ग्राफ पेपर आल्सो आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। ये ध्यान रखने की चीज है कि यहाँ पर लिखा है इन द सेम ग्राफ पेपर, ठीक है ना, इन द एक ही ग्राफ पेपर पे आपको सॉल्व करना है, बनाना है दोनों लाइन को, दो लाइन एक साथ बनाना है आपको, और एक ही ग्राफ पेपर पे बनाना है, अलग अलग ग्राफ पेपर पे नहीं, इन द सेम ग्राफ पेपर, या ये लिख दिया जाता है यूजिंग सेम ग्राफ पेपर, इस तरीके से भी सेंटेंस लिख दिया जाता है, या ऑन द सेम ग्राफ पेपर, तो इसलिए इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। कई बार लड़के क्या कहते हैं, अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ऐसा नहीं है, आपको एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉट करना है, अलग अलग नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिख लें y इज इक्वल टू एक्स, तो इससे तो एक चीज़ क्लियर है कि अगर हम x की वैल्यू 1 देंगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 देंगे तो y की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएंगे, कि 1, 1, 2 दिए तो 2, 2, ठीक है, और 0 दिए तो 0, 0, ठीक है ना, तो 0, 0, 0, इस तरीके से कंटिन्यूअस होता जाएगा। माइनस दे देंगे, अगर इसको -1 देंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, इसको +-2 देंगे तो ये भी -2 हो जाएगा। अब
दूसरा देख लीजिए कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए कि अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा ना, इस तरीके से चलेगा। और इसको भी एक आगे जीरो जीरो भी ले लीजिए, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम इस पर प्लाट कर, एक ही ग्राफ पेपर में प्लाट करना है, का मतलब समझिए कि ये हम ये अब ये ठीक है, ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब हमको करना क्या है, हम देखिए 1 2 ठीक है 3 4 तक ले जा रहे हैं, और इधर क्या है 1 2 3 4, इधर क्या है -1 -2 -3 -4, फिर इधर -1 -2 -3 -4। अब हम इसको प्लाट कर रहे हैं, 0 0 तो ये 0 0 है, फिर 1 1 मतलब ये और ये जहाँ मिले ये 1 1, फिर कह रहा है 2 2 मतलब ये और ये जहाँ मिले ये क्या है 2 2, ठीक है ना। अब इसको आप प्लॉट कर दीजिए, ये 0 0 ये 1 1 ये 2 2, इस तरीके से, इसका मतलब पीछे भी अगर बढ़ाएं तो इसी तरीके से जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये वाली लाइन ले लीजिए, तो इसमें देखिए जब एक्स 1 है तो वाई क्या है -1 है, जब एक्स 1 है तो वाई -1 है, इसका मतलब ये आ गया 1 -1, फिर एक्स 2 है तो वाई -2 है, तो ये हो गया 2 -2। अब 0 0 ये है ही है, तो इसका मतलब इसको भी इसी तरीके से हम मिला दें ये और इसको इसी तरह पीछे बढ़ा दें, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट क्या है, ये है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 0 0, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 0 0, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से क्या कहते हैं इसको प्लाट किया जाता है। बस एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, उससे आप लोगों को कई चीज़ें मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन लिख दूँ पहले, ठीक है, देखिए ड्रा दी ग्राफ ऑफ 2x + y = 6, 2x + y = 6 एंड 2x - y = 2 ऑन द सेम ग्राफ पेपर शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, पहले तो ग्राफ प्लॉट करना है, दोनों लाइन को एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, फिर उसके बाद जहाँ पे ये दोनों लाइन इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ मिलके जो एरिया बना रहे हो उसको शेड करना है और उसका एरिया निकालना है, ठीक है, जो भी शेप बन रहा हो उसको शेड कर देना है और उसका एरिया निकालना है। देखिए तो सबसे पहले हम इसको निकाल 2x + y = 6, यहाँ से हम y के लिए सॉल्व करें तो y = 6 - 2x। अब हम x को वैल्यू दें,
एक्स इज इक्वल टू वन, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पर हम एक वो बना दे रहे हैं, ये एक्स है, ये वाई है। तो जब एक्स की वैल्यू आपने दी है कितनी, आपने एक्स की वैल्यू दी 1, तो वाई की वैल्यू आई 4। ठीक है, अब इसके बाद जो है, जब एक्स की वैल्यू, अब हम एक्स को वैल्यू दें 0, एक्स को वैल्यू दें एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0, इसका मतलब 6 आ जाएगा। तो अब क्या कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू 6, और एक वैल्यू और दे दीजिए कि एक्स इज इक्वल टू अब की -1 दे दीजिए। जब -1 दे देंगे, -1 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा ग्राफ प्लाट करना, चलो ठीक है, फिर भी वाई एक्स इक्वल टू -1 ही लिखते हैं। तो वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो जब क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू आपने दी -1, तो वाई की वैल्यू आई 8। ये तो हो गया इस इक्वेशन के लिए। अब दूसरे वाले इक्वेशन के लिए देखिए, ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी हम यहाँ पे एक कॉमन ब्लॉक बना दे रहे हैं। ये एक्स और वाई है, दूसरा वाला टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो माइनस इसको इधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, तो क्या हो जाएगा, 2x-2 इज इक्वल टू वाई, या वाई इज इक्वल टू 2x-2। अब हम इसमें वैल्यू रखना शुरू करें। जब x को वैल्यू दें 1, ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करें, x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 - 2 0 हो जाएगी, 2 - 2 0। तो अब की आपने क्या निकाला है कि x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू, अब x को वैल्यू दे रहे हैं कितना, x की वैल्यू दें, अगर x की वैल्यू अब 2 दे दें, x की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 2 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। तब x की वैल्यू आपने दी 2, तो y की वैल्यू 2, और एक बार -1 दे दीजिए, x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लीजिए, y इज इक्वल टू 2 × -1 - 2 -2 - 2 - 4, इसका मतलब x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -4। अब इसको, इन्हीं दोनों से हमें ग्राफ प्लाट करना है। अब देखिए कैसे करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख दें हम कि ये है x की वैल्यू है, ये x और ये y, तो ये 1, ये 4, ठीक है, फिर है 0, 6, फिर -1 और 8, और दूसरा वाला क्या आया है हमारे पास कि x y 1, तो 0, 2 पे 2, अब -1 पे -4। अब इसको हम ग्राफ पे प्लाट करके दिखाते हैं। ये हो गया x और y एक्सिस बना दिए, x एक्सिस, और ये है y एक्सिस, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इधर -1, -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर -1, -2, -3, -4, -5। अब शुरू करें, जब पहले x पर 1, तो y पर 4 है, x पर 1, y पर ये 4, तो ये पॉइंट आ गया, ये 1, 4 हो गया,
ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है एक्स पे 0 तो वाई पर 6, एक्स ये है और 0 और वाई 6, ये पॉइंट आ गया, ये हो गया 0 6, ठीक है। और तीसरा हमने क्या किया, एक्स पे -1 तो वाई पर कितना आ रहा है 8, एक्स पर -1 तो वाई पर 8 आ गया। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा ले हम, सपोज कर लीजिए यहाँ पे 8 है, ठीक है ना, तो ये आ गया, ये देखिए ये पूरा ये -1 और 8 हो गया। अब इन तीनों को मिला दीजिए, तो मिलाएंगे तो देखिए ये अब इस तरीके से ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला लीजिए, पहले x पे 1 तो y पर 0 तो ये हो गया ये, ठीक है। फिर x पर 2 तो y पर 2, ये 2 है और ये 2 है तो ये 2 2 हो गया। फिर कह रहा है x पर हम जब -1 लिए तो y पर क्या आ रहा है -4, ये सपोज कर लीजिए ये -1 और -4। अब इन दोनों इन सब को भी मिला दीजिए, ये है शेडेड रीजन, ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों लाइंस हैं, इन दोनों से जो बन रहा है ये ट्रायंगुलर शेप, यही शेप जो है शेडेड रीजन है। अब इसी का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ये है 0 से 3, 3 के पास कट रहा है, 3 ले लीजिए, ठीक है, हाफ 3। हाइट क्या होगी, ये भी 3 आ रही है तो 3, तो हाफ 3 3 जा 9/2, ये एरिया आ गई, यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी, स्क्वायर यूनिट जो भी होगी, ठीक है। इस तरीके से आप ग्राफ प्लाट करेंगे, यही आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इतना ही है। इसको आप प्रैक्टिस करिए, जो सब नहीं आएगा उसको स्कूल खुलने पर सॉल्व किया जाएगा।